बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार सा भजन उड़ठ मन सोच 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 अभी। मन सोच 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 अभी। दुर्लभ अवसर पाया तुमने फिर मिले यह नाह कभी। मन सोच 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 बहुत जन्म के पीछे प्यारा पाया मानुष जन्म उदारा। सुमरोगे जब सत करतारा सफला होगा जन्म तभी। मन सोच 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 अभी। मन सोच 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 अभी। लाख कोट जो देवो धन को नहीं पाओगे ऐसे तन को। कोई न विरथा इस जीवन को चाहत हित हो आप जभी। सोच 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 अभी। मन सोच 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 अभी। गया समय फिर हाथ न आवत भावे कितना भी पछतावत। क्यों नहीं मूरख हरि गुन गावत छोड़ जगत के काम सभी। मन सोच 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 अभी। मन सोच 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 अभी। और जो नहर मिलह न भाई कहते हूँ सत्य बात सुनाई। इस तन में करने कमाई देखो आत्म राम छवि। मन सोच 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 अभी। मन सोच 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 अभी अभी। राग आशा भजन 59 मन सोच 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 अभी। दुर्लभ अवसर पाया तुमने फिर मिले यह नाह कभी। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमय वाणी के इस भजन में श्री गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि देर मत करो शुभ कर्म में नाम जप में देर मत करो। ये दुर्लभ अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है इसको फिर व्यर्थ मत गवाओ। बहुत जन्म के पीछे प्यारा पाया मानुष जन्म उदारा। अनंत योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है।
और उस शरीर को अगर सफल बनाना है तो सुमरोगे जब सत करता रहो। जब ईश्वर के सुमरण में लग जाओगे तभी ये मानव शरीर सफल होगा। कितना भी तुम धन खर्च करो और इस शरीर को फिर प्राप्त करना चाहो तो धन की शक्ति नहीं कि इस शरीर को फिर से प्राप्त करा दे। खोए न वृथा इस जीवन को, इस अमोलक शरीर को व्यर्थ मत गवाओ। चाहत तहित को आप जबी। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो तो इस दुर्लभ शरीर को व्यर्थ मत गवाओ। गया समय फिर हाथ न आवत। जो समय गुजर गया वो फिर लौट के आने वाला नहीं, फिर से प्राप्त होने वाला नहीं। कितना भी तुम पछताओ पर उस समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। पहलाज हींअर जे की न कंदे पो है वेठो हथ हणंदे, न की हित वणंदे न की हुत वणंदे, या हृदय गाल हंडाए बंदा। संतों की वाणी कहती है कि बाद में कितना भी तुम पछताओ लेकिन ये समय फिर प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए क्यों नहीं ईश्वर का गुणगान करके सब कार्यों को त्याग के अपने जीवन को सफल बनाओ। और जोन हर मिलहन भाई, कहे टेहूं सत्य बात बताई। दूसरा कोई भी शरीर ईश्वर की प्राप्ति करने में सक्षम नहीं, इस शरीर में ही नेक कमाई करके अपने आत्म स्वरूप का दीदार करो। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मान स्वरूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।